जी नाज़रीन, ब्रेक से वापसी पर शुक्रिया उर्दू तर्जुमे के साथ। अब ये पूछना है इनसे कि जो एनल फिशर है उसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। जी जनाब। सो एक तो पेशेंट की हिस्ट्री है, पेन, ब्लीडिंग एंड पेन बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा स्टूल पास करते हुए। उसमें जब हम इसको मुआयना करते हैं मरीज़ का, तो बाहर से सिर्फ देख सकते हैं, जो कि मरीज़ को इतनी पेन है वो आपको टच नहीं करने देता, ना आपको फिंगर डालने देगा ना आपको इंस्ट्रूमेंट डालने देगा, इस कदर जाहिर है। हाँ, तो इसलिए पेशेंट को काउंसिल करना पड़ता है और समझाना पड़ता है कि बाकी का इसका मुआयना और ऑपरेटिव स्टेप वो अंडर एनेस्थीजिया होंगे। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में EUA कहते हैं, एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीजिया। तो उसमें हम इसको विजुलाइज करते हैं विद कैमरा, जिसको हम प्रोक्टोस्कोप कहते हैं, उससे अंदर से देख सकते हैं और फिर ट्रीट भी कर देते हैं। सही, ये तो ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एनल फिस्चुला के बारे में, मैंने उसको इसलिए लिख लिया क्योंकि 2-3 ईमेल्स आई हुई हैं कि एनल फिस्चुला क्या होता है और अगर इसका प्रॉब्लम हो जाए तो क्या, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, प्रॉब्लम हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट है? फिस्चुला, एनल फिस्चुला, फिस्चुला एनेनो और पेरी एनल फिस्चुला, ये इसके नाम है हमारी लैंग्वेज में। मरीज को ये भी एक पेन के साथ एक और पेनफुल कंडीशन है इस एरिया। डॉक्टर साहब अगर इसको 2 सेकंड में डिस्कस कर लें, कॉलर है उनको एंटरटेन कर लें। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं उमर बात कर रहा हूँ। जी उमर साहब, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि ये बवासीर के सिम्टम्स क्या क्या हैं और इनकी कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, सिम्टम्स तो हमने बता दिए कि पेनलेस पर रेक्टल ब्लीड होती है फ्रेश ब्लड की, और कॉम्प्लिकेशंस आपने पूछ ली और मैंने डायग्नोसिस पूछना था आपके सवाल से, मुझे ये याद आ गया। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। सो मेनी क्वेश्चन। हाँ, सो सिम्टम्स तो वही हैं। वो हमने कर ब्लीडिंग, वो भी होती है कतरों की सूरत में, ठीक है, और स्टूल के बाद, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशंस और समथिंग कम आउट ऑफ द रेक्टम, यानी आप कोई चीज़ बाहर निकलती है, एक और सिम्टम है इसमें। कॉम्प्लिकेशन में प्रॉब्लम इसके ये होते हैं कि एक तो ये बाहर निकल आते हैं और बाहर ही रहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोलैप्स, और दूसरी इसकी होती है स्ट्रेंगुलेशन, अभी हमने बात की थी। जी बिल्कुल। स्ट्रेंगुलेशन मीन ये होता है कि कोई बाहर निकले बवासीर और पीछे से जो वहाँ के मसल्स हैं वो स्पैज में चले जाए, उन्होंने उसके ऊपर शिकंजा टाइट कर लिया। सही सही। तो अब नीचे वाला जो हिस्सा बाहर आया हुआ उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, देन इट बिकम बहुत बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है, बड़ी सीवियर पेन होती है। डायग्नोसिस कैसे होता है इसका? डायग्नोसिस जिसकी वजह से लोग भागते हैं और फिर क्वैक्स के हथे चढ़ जाते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस रीजन की बीमारियों में। सो जो डायग्नोसिस है, जनरली हिस्ट्री पहले हिस्ट्री सजेस्ट करती है पहले, और उसके बाद एग्जामिनेशन खास तौर पे इस हिस्से को, जिसको हम कहते हैं PR एग्जामिनेशन या डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पेशेंट को हम काउंसिल करके उसको आइसोलेशन में एग्जामिन करते हैं, और स्पेशली फीमेल पेशेंट है तो उसके साथ हमारे साथ फीमेल डॉक्टर एंड फीमेल नर्स वो मौजूद हो तो उसके साथ काउंसिल करके बाकायदा उसको पोजीशन बना के एग्जामिन करते हैं। उसमें ये एक तो फिंगर से एग्जामिनेशन, दूसरा एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको प्रोक्टोस्कोप कहते हैं, प्रोक्टोस अगर बड़ा इंस्ट्रूमेंट है तो उसको सिग्माइडोस्कोप कहते हैं, ठीक है। तो उससे वी सी फ्रॉम विदन, तो उससे जस्ट एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या है, नो स्टेज क्या है उसकी, एक तो हिस्ट्री से सजेस्टिव है, तो जब उसको उसके अंदर देखते हैं प्रॉपर लाइट से तो जस्ट लुकिंग इन दिस रीजन डायग्नोसिस इज देयर, ठीक है। आपको कोई मतलब सिर्फ हिस्ट्री पे नहीं आप रिलाई करेंगे? नहीं नहीं, देखना, जब तक आप देख नहीं लेते विद प्रोक्टोस्कोप डायग्नोसिस कंफर्म नहीं। अच्छा, एंड एक दफा देखने से डायग्नोसिस बन जाता है, उसके बाद इसके लिए आपको किसी लैब टेस्ट की, कोई एक्सरे, कोई अल्ट्रासाउंड, कोई सीटी स्कैन, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिंपल ये एग्जामिनेशन विद द प्रोक्टोस्कोप कंफर्म्स द डायग्नोसिस प्लस हिस्ट्री। अच्छा, बात हो रही थी, हम कह रहे थे उसकी एनल फिस्चुला की। एनल फिस्चुला ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, एंड फिस्चुला होता है पेनफुल कंडीशन है इसमें भी, और अगर मरीज हिस्ट्री देता है कि जी मुझे पेन स्टार्ट होती है, पेन के बाद कुछ दिन पेन रहती है, फिर एक एब्सेस टाइप स्वेलिंग बनती है और खुद से रप्चर हो जाती है जो आपके स्टूल वाली जगह है उसके अराउंड, एनस के अराउंड जगह,
तो रप्चर हो जाती है, उसके बाद उसमें से पस और पुरुलेंट मटेरियल निकलता है, उसके बाद पेशेंट की पेन सेटल हो जाती है एंड ये सर्कल रिपीट होता रहता है। कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद फिर दोबारा पेशेंट को पेन शुरू हो जाती है और फिर ऐसा होता है। इसमें एक्चुअली होता ये है कि जब ये इस जगह पे इन्फेक्शन होती है इनिशियली, तो शुरू में इन्फेक्शन होती है और एक एब्सेस बन जाता है। अगर उस स्टेज पे इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो ठीक है, वरना इसका एक हिस्सा अंदर की तरफ जो एनल कैनाल की तरफ वो रास्ता बना लेता और एक स्किन की तरफ, तो इसकी कम्युनिकेशन एक गलत रास्ता बन जाता है वहाँ पे। सही। और तो वो मतलब किसी को फिसला वो कभी हील होता ही नहीं क्योंकि उसकी जो नेवर हील्स बाय एनी वे। तो कोई भी आप डाइटरी मेजर कर लें, कोई दवाई इस्तेमाल कर लें, एंटीबायोटिक्स भी टेम्परेरीली जब इन्फेक्ट होता है तो थोड़ी सी सिम्टम, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, बिल्कुल मतलब सीजन में इसका एक मुंह उस तरफ है। जी बिल्कुल। तो इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि इसको टोटल इसको निकाल दिया जाए, सर्जिकल ट्रीटमेंट है एंड इसमें भी 100% क्योर है। ए वीक या टू वीक्स टाइम में इसका वुंड हील हो जाता है और पेशेंट इज कम्प्लीटली क्योर। ठीक है। अच्छा, आयशा की ईमेल है, वो ये पूछ रही है कि डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि मैं बहुत मोटी हूँ और उस वजह से डॉक्टर ने कहा है कि आप स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करवा लें, तो वो क्या होती है? स्लीव गैस्ट्रेक्टमी होती है बेसिकली, ये भी बहुत अंडरस्टैंड करने वाला सब्जेक्ट है, हर कैंडिडेट हर मोटा मरीज इसके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी हम इसको कहते हैं उसके लिए कैंडिडेट नहीं है। इसके लिए है कि वो ये स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में स्टमक का साइज छोटा कर देते हैं, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा खाना खाने के बाद उनको सेटिस्फेक्शन हो जाती है। हाँ। और बेसिकली इट्स मेंट रिड्यूस द इनटेक ऑफ द पेशेंट। आयशा के लिए आई थिंक ये सजेस्टिव है, सजेशन ये है कि एक तो बेरियाट्रिक सर्जन से ये करें रजू, और दूसरा ये कि लाइक यू सेड कि हर कोई एलिजिबल नहीं होता, तो इसके लिए पहले तो मोटिवेशन चाहिए बहुत ज्यादा पेशेंट की। और कुछ बाकी सारे मेजर्स आपने कर लिए हैं, आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली है वेट रिड्यूस करने की, वो नहीं पॉसिबल हुआ, आपने जो मेडिकल इशू थे उनको सारे एड्रेस कर लिया, कोई डिजीज नहीं है रिलेटेड जो ओबेसिटी की तरफ जा रही है जिसकी वजह से वेट ज्यादा है, वो रूल आउट हो गई है, देन आप कंसिडरेशन में जाते हैं, आप मोटिवेटेड हैं कि एक दफा मेरा वजन सर्जरी से कम हो जाएगा तो मैं इसको मेंटेन कर सकूंगी। सही, ये बात सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक अजीब सा सवाल है कि आयशा ही हैं अगेन, उन्होंने कहा है कि जी मेरी वालदा जो हैं उनके वो गॉल ब्लैडर जो है वो रिमूव हो गया है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि गॉल ब्लैडर के अंदर से स्टोन्स निकाल लिए जाएं और गॉल ब्लैडर को छोड़ दिया जाता? अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास क्वेश्चन जब आते निकाल देते हैं। हाँ, असल में इसमें एक चीज नाजरीन के लिए भी है कि जैसे यही क्वेश्चन हमारे पास आता है कि गुर्दे में पथरी बनती है, किडनी में पथरी बनती है, तो पथरी को निकाला जाता है, गुर्दा तो खाने में पथरी स्टोन होता है तो स्टोन को निकाला जाता है, तो गॉल ब्लैडर को ही क्यों? इसमें ये है कि गॉल ब्लैडर के अंदर या पित्ते के अंदर पथरी बनती तब है जब वो खुद खराब हो जाता है, तो इट्स नॉट द स्टोन विच इज एट फॉल्ट विच इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, इट इज द गॉल ब्लैडर, पित्ता खुद ही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसके अंदर स्टोन बने हैं। और ये 99% केसेस में, यानी आप कह सकते हैं कि वो पित्ता वैसे ही अपना फंक्शन लेस हो गया है, उसका फंक्शन नहीं है, तो अगर पथरी उससे निकाल भी ली जाए तो ना तो पेशेंट की कंप्लेंट सेटल होंगी ना ही पित्ता अपना काम करेगा। सो दैट्स द रीजन यू टेक द गॉल ब्लैडर इन टोटो, उसको रिमूव करना पड़ता है। अच्छा, ये मिराज साहब की है ईमेल, ये पूछ रहे हैं कि इनको अपेंडिसाइटिस हुई थी, ये डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एंटीबायोटिक दी, पेन सेटल हो गई, मगर अब डॉक्टर कह रहा है अपेंडिकुलर मैस बन गया, तो अब इसका क्या इलाज है? असल में इनिशियल स्टेज पे जब एंटीबायोटिक अपेंडिसाइटिस का इलाज नहीं है। जी, एक चीज उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, अपेंडिसाइटिस का इलाज एंटीबायोटिक नहीं है, उस वक्त उसका डिसीजन टू ऑपरेट हो जाना चाहिए था। अगर आप अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में, एक्यूट अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में ऑपरेशन डिले कर देते हैं या पेशेंट लेट आता है आपके पास या डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पहले डायग्नोसिस नहीं हुआ, तो उसमें ये होता है कि जब एक दफा वहाँ पे मैस बन जाता है या गोला बन जाता है तो उसके बाद जनरल रिकमेंडेशन ये है कि आप उस पेशेंट को ऑपरेट ना करें, उसका ट्रीटमेंट करें, एडमिट करें हॉस्पिटल में,
उसको खाना पीना उसका बंद कर दें, उसको एंटीबायोटिक दें, उसको फ्लूइड दें, जब वो मैस सेटल हो जाए फिर उसको 4-6 हफ्ते का रेस्ट देने के बाद ऑपरेट करें। ऑपरेट करना ही करना है, ऑपरेट बाद में करना है। हाँ। वजह ये है, इसमें सेंस ये है कि जब एक दफ़ा गोला बनता है वो बेसिकली नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से डिफेंस मैकेनिज्म है। एक चीज़ होती है ओमेंटम बॉडी के अंदर, जिसको हम तो पेट का पुलिसमैन भी कहते हैं, तो वो आके उसको अनसर्कल करता है, उसको कवर कर लेता है। अगर उस वक्त उसको अपेंडिसेक्टमी करने की कोशिश की जाए और उसमें डैमेज होने का चांसेस, छोटी बड़ी आंत को या कोई नुकसान होने का, उस वक्त नहीं करना चाहिए। उस वक्त बेहतर यह है कि उसको एंटीबायोटिक दे के सेटल किया जाए, उसके बाद 6 हफ्ते के बाद उसको ऑपरेशन करते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरवल अपेंडिसेक्टमी। बेशक पेशेंट की कंप्लेंट सेटल हो गई है, बिकॉज जो अपेंडिक्स पहले ख़राब हुई थी अब वक्ती तौर पर सेटल हुई है, अगर आप उसको ऑपरेट नहीं करेंगे वो बहुत जल्द दोबारा एक और सीवियर अटैक के साथ आएगी। तो इसको इलेक्टिवली ऑपरेट करें। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर डॉक्टर साहब। नाजरीन, आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अपेंडिसाइटिस जो है ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, काफ़ी आम होती है, इसको डिले नहीं करना चाहिए और इसको फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा करके ना अपेंडिक्स से जान छुड़वानी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि सूनर और लेटर ऑपरेशन तो करवाना है, सो वाई नॉट कि उस वक्त करवा लिया जाए। अपना बहुत ख्याल रखें, वीकेंड को इन्जॉय करें, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।